नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। जैसा कि आप पीछे ये देख रहे हैं, ये सिवान जिले का दून है और हम यहां आज ब्रह्मभोज में कुमार बिहारी पांडे जी के ब्रह्मभोज में आए हैं। नारद मीडिया के लिए ये काफ़ी ज़्यादा भावुक क्षण है। जिस व्यक्ति को आज भी हम ये नहीं मान रहे हैं कि वो हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन ये कहना पड़ रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। श्रद्धा सुमन के दो फूल यहाँ लगे हुए हैं और आप हमेशा कहते थे कि ये जो आज तुम देख रहे हो, शायद तुमने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा है और मैंने क्या क्या किया है। हम लोग का सौभाग्य है कि उनसे हम लोग मिला करते थे और हमेशा उनके पास आया करते थे। आइए, आज कुछ अतिथि आए हुए हैं, उनसे हम बात करें और वो उनके बारे में क्या बोलते हैं। कुमार बिहारी पांडे सर के बारे में कोई संस्मरण कुछ ऐसा। मैं सर्वप्रथम ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वो एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक संस्था थे और उनका हम लोगों के बीच से जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक विज्ञान मेला लगा हुआ था, उस विज्ञान मेला में हम लोग आए हुए थे। घर में खाने पीने की व्यवस्था हुई थी, हम लोग चूड़ा और दही खाए। वो चूड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हमने बाबा से कहा कि बाबा चूड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा और चूड़ा दे दीजिए, मैं गाड़ी में रख लेता हूँ। बोले ले हाँ बेटा लेते जाओ। मेरे जाने के बाद किसी ने चूड़ा हमको दिया नहीं, फिर उनको पता चला कि उनको चूड़ा नहीं दिया गया है। तो जब वो मुंबई जा रहे थे, मुंबई जाने से दो दिन पहले हमारे क्लिनिक में आए एक झोले में चूड़ा लेकर के। मैं देख के बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि बाबा यहाँ पे एक झोला लिए हुए हैं। हमने पूछा कि बाबा क्या है, अरे बचवा तू चुड़वा तुमको नहीं ना दिया, सब वो लेने आए हैं रख लो, मैं मुंबई जा रहा हूँ कल, अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। और हमें क्या पता था कि ये हमारी और उनकी अंतिम मुलाकात है। माँ रक्षा करना, आम आज तू गई बा हो बोलिया बा, मधुमक्खी आ गई हैं। सर कुछ संस्मरण हो और ऐसे व्यक्ति का चला जाना समाज के लिए वाकई एक बहुत बड़ा क्षति है। जाना तो सब किसी को है, लेकिन एक ऐसा जो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व थे कुमार बिहारी पांडे। ओम शांति। पिछले लगभग 10 सालों से मैं सर से जुड़ा हुआ था और उनका प्रेम स्नेह हम लोगों को मिला और मार्गदर्शन भी मिला। वो सचमुच एक सच्चे कर्मयोगी थे। जब भी उनसे मिलने के बाद से एक ही चीज़ की शिक्षा मिलती थी कि कर्म करो, और कर्म ही एक ऐसा साधन है जिससे तुम जो चीज़ चाहते हो वो संसार में तुम पा सकते हो, चाहे कर सकते हो। वो जीते जागते वो गीता के साथ थे और उनको हर बार देखने से एक अलग से ही ऊर्जा मिलती थी। पिछले हम भी उसी वक्त जो विज्ञान मेला के वक्त आया था और उस वक्त देख के ऐसा लगा नहीं कि 1.5-2 महीने के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। वो बिल्कुल ऊर्जा में मंच का खुद से संचालन कर रहे थे। हम सभी लोगों का स्वागत किया, जो अपना प्रेम दिया, तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी क्षति है। और शायद आने वाले जनरेशन्स को अगर हम लोग उस व्यक्तित्व के बारे में बताएं तो लोग शायद विश्वास न करेंगे कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता था धरती पर। मैं तो कभी कर्म को छोटा माना नहीं, कर्म ही तो है जो राम को राम बनाया और कृष्ण को कृष्ण बनाया। कर्म की पूजा करिए, सत्य का आचरण करते रहिए, सेवा परमो धर्म है। कुमार बिहारी पांडे चाचा जी के बचपन के दोस्त लंगुटिया यार आज हमारे साथ हैं और आप राजकिशोर भारती हैं, आप जिले के लब्ध ख्याति प्राप्त
एक किसान है, क्या कहेंगे आज दोस्त? क्या हमसे कोई शब्द नहीं है हम कहने लायक? हम लोग सुनने हो गए, कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने का, पूर्ति नहीं हो सकती है इसकी। जो उनको देख के ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति अभी इतना जल्दी ना, नहीं नहीं इतना कर्मठ व्यक्ति, इतना हाँ सुई के नुक के बराबर भी उनके जीवन में समय नहीं था किसी और चीज के लिए। ना बिल्कुल, हमेशा काम किया करते थे, एकदम कर्म में ही विश्वास करते थे, कर्म ही उनका सबसे बड़ा धर्म था। कैसा लग रहा है आज दोस्त के चलते? अरे क्या लगेगा, हम लोग शून्य हो गए बिल्कुल, किसी तरफ कोई सब तरफ। अच्छा ऐसा लगता है कि वो कभी इधर उधर घूम के आ रहे हैं? आ रहे हैं लगता है, सब कुछ समारोह हो रहा है लेकिन वो किधर से घूम के आ रहे हैं? लगता है कि आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे। मैंने बहुत पहले सुन रखा था कि कोई भी कर्म करने से असंभव भी संभव हो जाता है, इसलिए मैं किसी मनुष्य के को लंगी नहीं मारता हूँ लेकिन कर्म को लंगी मारता रहता हूँ। हमारे साथ एक दरौली के पूर्व अधिकारी हैं और हम उनके साथ कई स्मृतियाँ हैं सर की, क्या कहेंगे उनके बारे में? कुमार बिहारी पांडे जी मेरे लिए बड़े भाई थे। मैं 1983 से 87 तक यहाँ का प्रखंड विकास पदाधिकारी रहा हूँ, उसी समय हमारी उनसे जान पहचान हुई और आप जहाँ जिस जगह पर खड़ा हैं इसको हम लोग, हम और वो दोनों मिलकर इस विद्यालय को खड़ा किए हैं। मैंने ही उनसे बॉम्बे में कहा था कि भाई साहब आप बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, गांव में आपको कौन पहचानेगा अगर कोई आपकी संस्था नहीं होगी। तो हम और बिहारी भाई जी दोनों रांची गए, वहाँ पर एक सुधीर तिवारी का एक स्कूल था उसको देख कर आए, उनके बेटा संजय मिलकर हम लोगों ने इस स्कूल की कल्पना की और इस स्कूल को खड़ा किया। एक ITI भी हमने उनको खुलवाया यहाँ पर जो अभी बहुत बढ़िया से चल रहा है। भाई साहब कर्म में विश्वास करते थे, वो कर्मयोगी थे, वो कभी आइडल सुस्त बैठना पसंद नहीं करते थे। अभी आपसे क्या बताऊँ, एक शेयर करता हूँ मैटर। उन्होंने हमको आज से 3 महीना पहले खबर किया कि सहोदर, हमको सहोदर कहते थे वो, कि मैंने यहाँ से 4 बीघा जमीन घर के बगल में खरीद लिया है और तुम आते नहीं हो, उसमें हम क्या करें? तो मैंने उनसे कहा कि उसमें एक नर्सिंग कॉलेज, एक फिजियोथेरापी का कॉलेज और एक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हम लोग खोलेंगे। तो उसका मैंने उनका एक लिंक भी भेजा था अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर, अभी भी उनके ईमेल पर उनका वो मैसेज है उनका। तो कहे कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, तुम आओ और हम लोग मिलकर इसको शुरुआत करेंगे, क्या पता मैंने ऐसा स्थिति हो जाएगा। उनको मेरे तरफ से भावभीनी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं कर्ज को कर्ज समझता हूँ, इस माटी का कर्ज था मुझ पर, मेरा शरीर जो है इसी माटी से बना हुआ है और कहते हैं कि कर्ज और फर्ज चुका देने से सर पर कोई बोझ नहीं रहता है। क्या कहेंगे कुमार बिहारी पांडे के बारे? कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई कि उद्योगपति कुमार बिहारी जी नहीं रहे, लेकिन उद्योगपतियों का जो परिचय था बड़ा संकीर्ण परिचय था, बेसिकली वो कर्म योगी थे और जिंदगी के हर आयाम में उनका कर्म जो है उनका बहुत बड़ा आधार था, बहुत मजबूत आधार था और उनकी पूरा उनका जो जीवन है, उनकी जो पुस्तक है अनुभव का आकाश, जो भी आदमी संघर्ष में है या जो भी आदमी किसी संकट में है या उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, अगर वो एक बार अनुभव का आकाश पढ़ ले तो उसको पूरी जिंदगी का एक सकारात्मक संदेश उसको मिलेगा और बहुत ही बढ़िया रहेगा। हम आज उनके श्राद्ध के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माँ वो विभूति है जो ये अपने शिशु को अपने ममता के आंचल का छांव देकर धनवान, ज्ञानवान और बलवान बना देती है। जैसा कि मैं देखता था आप उनसे बड़ा ज़्यादा क्लोज एसोसिएट थे, बहुत काफ़ी लंबे समय थे, उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या था? क्या था ये तो दोनों का आदमी की उम्र में बड़ा अंतर था, लेकिन क्या ऐसा था? क्या था ये तो बताने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मैं नहीं बताऊँगा वो क्या ऐसा चीज़ था जो पकड़ के रखा था। हाँ ये जरूर था कि उनमें कुछ ऐसी जरूर चीज़ें थी जो कि
सारी बातों को मानने के लिए विवश कर देती थी, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग डॉक्टर हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ा भी यंग एज में हैं, तो आमतौर पर एक मीत तक हम जो कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी चीज़ थी जो कि लगता था कि सब चीज़ हम घंटों बैठ के उनको सुनते थे। कई बार हम यहाँ आते थे, बहुत सारे लोग जो हैं, और हम आते थे और 2-3 घंटा बैठते थे कि कर क्या रहे हैं, उसको देखते रहते थे, सुनते थे और चले जाते थे। वो पूछते थे क्यों आए थे, उन्हें बस ऐसे ही आ गए थे। तो कुछ तो उनके अंदर ऐसा स्पेशल पावर था। हम लोग दुखी जरूर हैं कि वो अब प्रत्यक्ष रूप से हम लोग के सामने नहीं हैं, लेकिन हम ये मानते नहीं हैं कि वो नहीं हैं। हमको लगता है कि वो बहुत अनेक तरीके से यहाँ पे हैं, विराजमान हैं, उनकी चीज़ें यहाँ पे, कलाकृतियाँ हैं, जिससे बहुत समझी जा सकती है। हमको ये नहीं लगता कि हम लोग उनको जो समझ पाए हों, 5% भी हम लोग समझ पाए हों, और हम लोग की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी तो शायद नहीं समझ पाएंगे लोग। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, यहाँ पर जो आज अरविंद जी महाराज जिन्होंने पूजा कराया, तो हमने उनसे थोड़ी देर जो बात हो रही थी उसमें यही बात हुई कि हम लोग, अब मेरे माता पिता डॉक्टर थे, उनके माता पिता पुजारी थे, पूजा कराते थे, पैदा हुए तभी से वही चीज़ देख रहे हैं और मरने के दिन तक वही अब देखेंगे, क्योंकि खुद भी डॉक्टर बन गए। हम लोग का कुछ हो नहीं सकता, इसी में जो एक्सपीरियंस होगा हम लोग जो बोलें, लेकिन उनके जीवन को अगर हम समझते हैं तो 5 साल में जो आदमी को इतना हिम्मत था कि निकल गया घर से, माँ को अकेले ला के अगर उनको जीवनी का पड़े, और पार्ट जीवन में होटल में काम किए, फैक्ट्री में काम किए, एज ए दरवान काम किए, एज ए गार्ड काम किए, और एज ए एक मैकेनिक भी काम किए, और एज ए इंजीनियर, फिर राजवाड़े में चले गए, फिर मतलब एटलीस्ट 10-15 तो ऐसी चीज़ें हम लोगों को पता है जो जीवन उन्होंने जिया है। हम लोग किसी का देख के समझते हैं, आप पत्रकार हैं तो आप एक डॉक्टर की ज़िंदगी जो देख लिए उससे एक परसेप्शन बना लिए, लेकिन उस चीज़ को आप जिए नहीं है, इसलिए आप असलियत नहीं समझ सकते। वो उस चीज़ को जी के, और सबसे बड़ी बात जो उनसे मैंने सीखा है और शायद जीवन भर उसको मैं याद रखूंगा, कि सबको वो इतना इज्जत देते थे। अगर हम आ रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हम ही को इज्जत मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है, मेरा ड्राइवर को भी उतना ही इज्जत मिल रहा है, और सबको एक समान इज्जत देते। बहुत सारी सीखने की बात है, नहीं है हम लोगों के बीच में, ये एक दुख का तो बात है, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलना है कि बहुत दूसरे तरीके से वो हम लोग के साथ हैं, हमेशा हम लोग के साथ हैं, उनकी चीज़ें हम लोग के साथ हैं। एक जूठा बर्तन साफ करने वाले को IAS दामाद मिल सकते हैं क्या? मुझे मिला है। IPS दामाद मिल सकते हैं क्या? मुझे मिला है। ये मेरे कर्मों के कारण मिला है। मैं एक जगह कोट किया हूँ कि आदमी की पूजा नहीं होती है, उसके कर्मों की होती है। हमें कर्म को सुंदर से सुंदर करना चाहिए। कि आप पीछे देख रहे हैं, ये बिहारी चाचा की पूरी फैमिली है। आप सबसे बड़े दामाद हुए, दूसरे दामाद हुए, छोटे बेटे हुए, बड़े बेटे हुए, आप बड़ी बेटी हुई सुनीता, जिनके नाम पर ये पूरा सुनीता विद्या नगरी है, और आप पूरा परिवार है, भरा पूरा परिवार चाचा यहाँ छोड़ के गए हैं। मैं इस समय तो बात करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन 2 शब्द भैया क्या कहेंगे? अभी तो हम लोग इस स्थिति में नहीं है कि कुछ ऐसी बातें कर सकें हम आपके साथ, मगर ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि पिताजी का जो भी सपना था, जो ड्रीम था इस गांव को और इस स्कूल को और इस संस्थान को लेके, वो हम सभी भाई बहन उसको पूरी जोश और पूरे जोर से लेके आगे चलेंगे। मेरी ज़िंदगी की एक मकसद रही है कि एक ईंट कहीं ना कहीं पड़ना चाहिए रोज, चाहे वो मंदिर में पड़े, चाहे स्कूल में पड़े, चाहे फैक्ट्री के लिए पड़े, चाहे घरों के लिए पड़े। लोग बड़े लोगों से जब घृणा करते हैं तो उनसे हम कहते हैं कि बड़ों से प्रेम करो, घृणा नहीं। बड़ा बनने का महामंत्र उन्हीं के पास है। हेलो हेलो। हाँ चाचा जी, नहीं है क्या? हाँ है मेरा। हाँ जी, चरण स्पर्श। हेलो जी चाचा जी, चरण स्पर्श। आयुष्मान भव, अच्छा कैसे हो आप? ठीक है, आप अच्छे हैं ना? नहीं, तबीयत थोड़ा हमारी गड़बड़ है बेटा। क्या हो गई आपको? अब मालूम नहीं क्या हो गया है, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, दवा चल रहा है ना?
दवा तो सब चल रहा है, याद में तुम आ रहे हो लेकिन बात नहीं हो पा रही है। कैसा है परिवार आपका? सब ठीक है, आप स्वस्थ हो यही कामना है ईश्वर से। भगवान से प्रार्थना करो बच्चा। जी 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 जी। और सब ठीक है, परिवार ठीक है? जी जी, सभी लोग ठीक है, सभी लोग कुशल है। सबको मेरा आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, ठीक। बड़ा महादेव था, हम पर हमेशा कृपा रखते हो, कृपा रखो। हाँ जी 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 जी। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। ना ना बेटा, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और सब ठीक है ना बेटा? जी 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 जी। आप आराम कीजिए, स्वस्थ हो यही हम लोग कामना है, ईश्वर से प्रार्थना कर जल्दी स्वस्थ हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है सर जी, प्रणाम। खुश खुश।